हाय, स्टार्ट हो गया यहाँ का विंटर। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे, लगेगा रात ही रात के 2 बज रहा है। ठीक है, कोई गल नहीं, थोड़ा सा धूप होता है तो ऐसे थोड़ी जो है कि यहाँ पर लोग पगलाने लगेंगे थोड़ा सा धूप देखकर। बट हम लोग इतना ही धूप खाकर और सेक कर आए हैं, और ठीक है। बट वो बेसिकली वो जो अंधेरा टाइप होता है उससे प्रॉब्लम है, वो थोड़ा अजीब लगता है। बाकी तो कोट वोट पहन कर बाहर जा ही सकते हो, घर में हीटर चला ही सकते हो, तो उतना कोई इश्यूज नहीं है। बट वो जस्ट मन थोड़ा और ख़राब हो जाता है, बिकॉज़ बाहर धूप है ना तो अच्छा लगता है मन, बट बाहर जब अंधेरा लगता है तो ऑलरेडी तो हर दिन एक लिफ्ट अपलिफ्ट करने को इतना दिक्कत होता है हर दिन, है ना। ऊपर से ऐसा वेदर देखकर लगता है कि बहुत सैड है, बट देन लगता है कि ये वेदर से देखकर उतना भी सैड क्यों फील करे बाहर के लोग को। वो होता है ना, वो ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए वो फोर्सफुली मन को ये समझाना कि वी आर मच मोर फॉर्चुनेट देन द वंस हु डोंट इवन हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सी दिस। तो उसमें भी आजकल बहुत सब चीज़ बहुत फोर्सफुल रखता है, मतलब ईजी नहीं आता है कि हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, ऐसा हुआ तो हुआ। हर चीज़ कंट्रोल में करना चाहते हैं कि बाहर अंधेरा क्यों, बाहर हमको रोशनी चाहिए। ये सब थाट्स चल रहे थे मेरे सुबह में। अभिषेक बहुत पहले उठ गया था, कुछ काम वाम उसको था तो मैं सोई थी। फिर बेचारा आकर टाइमली देखा भी कि उठ उठ जाइए, मैं अलार्म लगा ली थी, बट फिर भी तो यही चल रहा है। और जिम थोड़ा कम करना होगा बोला है ट्रेनर। मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं है, अभिषेक को थोड़ा ज़्यादा वो पेन वेन हो रहा है, जॉइंट पेन्स। वो जिम से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है दूसरे वजह से, क्योंकि यहाँ के जो किंग साइज़ बेड एंड डबल बेड एंड जो भी बेड है वो दे आर बेसिकली क्वीन, एंड मुझ जैसी क्वीन जो डबल द साइज़ है तो किंग जो हाफ द साइज है उसको प्रॉपर जगह में नहीं मिलता है सोने। तो बेचारा उसी के वजह से कैसे हाथ हाथ पे मोड़ के सोता है गटरी जैसा, उसके वजह से उसको दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। तो बट उसके वजह से वो जिम करने में और दर्द हो रहा है, तो बोला है कि टेक 2 डेज रेस्ट एंड ट्राई कि एक वीक में लाइक फॉर 7 डेज यू डू 1 डे, देन यू टेक ब्रेक, अगेन डू 1 डे, टेक ब्रेक, अगेन डू 1 डे, टेक ब्रेक। अब मैं इसको बोली थी ये वाला चीज़ करने, तो ही इज़ लाइक पूरा जॉब जैसा लिया, 5 दिन करो, सैटरडे संडे छुट्टी। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस 1-2 दिन ही दर्द हुआ, क्योंकि बदन में है वो एंड्योरेंस और स्ट्रेन लेने का, बट इसका काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट ठीक है, वो सब सोच के भी हंसी आता है कभी कभी। यहाँ पर देखना होगा, मतलब मैं हमेशा वो सोचते रहते हैं कि जब घर लेंगे ना तो कहाँ से ऑर्डर कराना होगा बिस्तर, बिकॉज बहुत छोटा छोटा होता है, और ऊपर से हम लोग तो ये उतने लंबे और ये नहीं हट्टे कट्टे, यहाँ के जो लोग हैं आई डोंट नो वो कैसे सोते हैं, बिकॉज हम लोग का तो भी थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, बिकॉज जो हम लोग देखे हैं दे आर लाइक विथ में लेंथ में दोनों में कम है। एंड जहाँ से हम लोग इंडिया से आए हैं दैट वॉज महाराजा एंड ऑल दोज बेड्स, मतलब क्या ही बोले, डायगनली सोना एंड इतने आराम से, तो कंस्ट्रिक्ट कैसे हुए राइट। बचपन से इतना आज़ादी का क्या बोले चस्का चढ़ा हुआ है। नहीं, देखो क्या होता है क्या नहीं, आशाएं जागृत रखो। सुबह में उठ के मैं सबसे पहले वो ये खिड़की के पास भी आती है, सबको ही वो कोट वोट पहनकर घर जाते हैं, कुछ घर जाते हैं एंड कुछ ऑफिस जाते हैं, एंड सामने में ही बार है तो कुछ वहाँ पर टिकाने भी आते हैं, टिका कर फिर ऑफिस जाते हैं या घर जाते हैं जहाँ भी जाना है। क्योंकि चेहरा सुबह में देखकर सबका वही लगता है कि सो के उठ के ऑफिस जा रहे हैं या फ्रेश होके वापस घर जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। उतना जैकेट एंड हुडी, इतना सुबह आई डोंट नो कोई भी शावर लेते होंगे, देखकर समझ में आ जाता है ना वो कि शावर लेने के बाद ही एक अजीब सा फीलिंग होता है राइट। और वो भी थोड़ा उतना नहीं हॉट शावर, थोड़ा गुनगुना पानी टाइप्स, तो हॉट शावर भी लोगे तो आँख ऐसे ही रहेगा। और मेरा वो शुरू से आदत है और बदन ले भी नहीं पाता है बिकॉज ऑफ इतना गर्म फैट इन साइड में, वट एवर डैट इज। मुँह देखो यहाँ पर कितना नैरो हो गया है ना,
होगा, वो आदत है मेरा, वो जैसे ही कुछ करती हूँ ना तो फटाक से लूज करने लगूंगी मैं, बट फिर जैसे ही गंद खाने लगूंगी वापस से वो डिपॉजिट होने लगता है। बट इसको बहुत, इसमें भी बहुत फोर्स्ड लग रहा है बताओ, जबकि ये नेचुरली आना चाहिए कि अपना ही बॉडी है उसका टेक केयर करना है, तो जितना मन है उतना खा के ठूस के ये नहीं करो। बट पता नहीं ये कोई, ये भी बचपन से कोई चीज इंस्टिल कर देना चाहिए, जैसे बहुत सारे हैबिट्स इंस्टिल्ड है ना हमारे अंदर कि अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं, सुबह उठ के ब्रश करना, ओ तुम्हारा ये वॉशरूम हो आना या नहाना या टाइमली खाना, है ना, तो ये सब बचपन से वो आदतें दिए हैं, तो ये एक्सरसाइज एंड ये सब का भी आदत होना चाहिए। अभी भी मैं नहीं देख रही हूँ लोगों को कि ठीक है योगा क्लास में डालते हैं, बट हर दिन घर पर योगा, हर दिन घर पर एज अ डांस, एज अ फॉर्म। एंड ये बच्चे करेंगे भी नहीं क्योंकि माँ बाप कर नहीं रहे, वो खुद ही देख रहे हैं, माँ बाप सो के उठ के या तो मम्मी नाश्ता बना के टिफिन पैक करके ऑफिस जा रही है, या तो पापा तो छोड़ ही दो, पापा को तो कुछ करना है नहीं, सुबह उठ के ये करके जस्ट उनको अपना बैग में टिफिन डालना है और ऑफिस जाना है, तो फिर बच्चे भी वो समझते नहीं है ना कि ये बहुत एसेंशियल है, बहुत कमी है। मैं तो हार्डली एक दो दोस्त का नाम अभी याद आ रहा है मेरे दिमाग में जो अपने ऊपर बहुत काम करती है, एंड ये माँ बनने से भी कतराती है बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट देयर फिगर, बट इतना भी नहीं कतराती है बिकॉज दे नो कि अगर उनमें वो चीज़ है तो वेट गेन करने के बाद भी दे कैन ब्रिंग इट बैक बिकॉज दे आर फिट पीपल। एंड पतला, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर थिन और पतला एंड ऑल द पतला पीपल आर फिट पीपल, वैसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस टेस्ट ये इस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी में भी वो कर रहे हैं ऑब्वियसली जो जैसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस वो पोजीशन ऑफ द बेबी एंड ये सब होता है ना, तो सब चीज़ जहाँ पर सर टिका के मुंडी ये करके नहीं कर सकते हो, तो विथ डॉक्टर्स गाइडेंस ये सब करती है। ये सब मेरे थोड़ा हाई प्रोफाइल दोस्त हैं, हाई प्रोफाइल मतलब कि मेरे क्लास के थोड़े ऊपर हैं, तो ऑब्वियसली इनके हैबिट्स एंड इनके जो तौर तरीके हैं ये काफ़ी डिफरेंट है, तो इनसे काफ़ी सीखी हूँ। मतलब जब कॉन्वेंट गई थी ना तो मेरा तो दिमाग घूम गया था, क्योंकि उससे पहले मैं जिस स्कूल में थी वहाँ लगा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे टिफिन सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ड्रेस सबसे अच्छा है, एवरीथिंग वॉज फार फ्रॉम बियॉन्ड फॉर मी, बट जब एक्चुअल प्लेस में गई जहाँ से बेंचमार्क होता है ना, ये आप पैंटेलून से कुछ चीज़ खरीद रहे हो या आप मैक से खरीद रहे हो या यहाँ पर अगर बोलो कि M&S से खरीद रहे हो, नेक्स्ट से खरीद रहे हो, आपको लगता है कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट खरीद रहे हो, एंड व्हेन यू वंस यू रीच गुची, वंस यू रीच बैलेंसियागा, तो वहां पर कपड़े जाकर वो है ना, तो वही वो क्लास का जो वो बात किया जाता है कि जब तक वहां पर पहुंचो नहीं तो लगता है कि अपुनिच भगवान है, तो उन लोग का मैं वो देखती हूँ कि फॉर देम एक्सरसाइज एंड ये टेक केयर ऑफ बॉडी इज लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लाइक ईटिंग स्लीपिंग, स्लीप को भी हम लोग बहुत ये करते हैं ना नज़रअंदाज कि ठीक है नींद नहीं आया, स्ट्रेस है, ये है, बट स्लीप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी जब भी जिम में ये बात की है, दे मैंशनड अबाउट डाइट एंड स्लीप, स्लीप का कोई बात नहीं करता है कि, एंड अभी के में बहुत मुश्किल है बिकॉज बच्चों का वजह से नहीं नींद आ रहा है या काम के वजह से, है ना, तो ये दोनों मेन रीजंस है जिसके वजह से टाइमली नहीं सो पा रहे हैं। अब नहीं सो पा रहे तो नहीं सो पा रहे, बट दैट हैज एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, तो वो सब भी है। अब चलो अगर मेरे पास वो सब नहीं चीजें हैं जो मुझे हैम्पर कर रहे हैं तो इट्स गुड दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये सब दिमाग में सब चलते रहता है। ठीक है।